बैंगन का भरता और बेसन की रोटी, वाह कितना स्वादिष्ट खाना। तो चलिए आज आज मैं आपके साथ एक कुछ अलग तरीके से बैंगन के भरता बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बैंगन का भरता कुछ इस तरीके से बना करके दिखाऊंगी जो बहुत ही सोंधा और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो वैसे पहले मैं एक तरीके से दूसरे तरीके से बैंगन का भरता बनाने की रेसिपी डाल चुकी हूँ, लेकिन आज मैं डिफरेंट तरीके से बैंगन का भरता बनाऊंगी और इस रेसिपी को आप सभी लोग देखिएगा और अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आप सभी लोग को इस तरीके का बैंगन का भरता बहुत ही पसंद आएगा और इतना स्वादिष्ट बनता है कि आप सभी लोग इसको चटकारे लेकर के खाएंगे और इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रोटी भी खा जाएंगे। तो देखिए, बैंगन का भरता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं गोल बैंगन, और दो बैंगन मैंने नए हैं और ये पहले का रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि तीनों को मिला करके ही भरता बना लेते हैं। बस बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन जो लें वो देख करके लें कि कहीं से भी कीड़े वाला नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कीड़े वाला जैसा दिखता है कि ऊपर से कि छेद ऐसा, वो नहीं होना चाहिए। बैंगन बिल्कुल हल्का होना चाहिए, जिसमें हल्के बैंगन में बीजे जो होते हैं वो कम होते हैं और भरते में बीजा बीजा ज़्यादा नहीं आता है। तो बस इनको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखते हुए बैंगन का भरता बनाएं। तो बैंगन को अच्छे से धो करके मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और थोड़े से लहसुन की कलियां हैं जिनको मैंने छील के रख लिया था। और अब बैंगन में चार पांच जगह पर इस तरीके से चाकू से होल करते हुए ये बैंगन की कलियों को इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए, इस तरीके से अंगूठे से थोड़ा सा प्रेस करते हुए अंदर की तरफ बैंगन डाल में लहसुन की कलियाँ डाल दी है। और बैंगन छोटा है तो तीन चार जगह डाल देंगे, बैंगन बड़ा है तो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें लहसुन की कलियों को इस तरीके से डाल देंगे। सभी बैंगन में मैंने देखिए यहाँ पर लहसुन की कलियाँ अंदर से लगा दी हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल तो चूल्हों का घर में होना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कम जगहों पर चूल्हे होते हैं, तो सभी लोग बैंगन का भरता खाते हैं तो गैस पे ही फ्राई करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर गैस पे ही बैंगन को इस तरीके से लगा करके भून लेती हूँ, क्योंकि बैंगन का भरता वैसे तो आप प्रेशर कुकर में इसको उबाल करके भी बना सकते हैं, लेकिन जो स्वाद इस तरीके से भूनने से आएगा, जो सोंधापन इसमें भूनने से आएगा, वो उबालने से नहीं आता है। तो देखिए, इस तरीके से गैस की फ्लेम को थोड़ा सा धीमा तेज करते हुए, पहले थोड़ा सा धीमा कर लें फिर तेज़ कर लें जैसे जैसे बैंगन पकता जाए। और बैंगन ऊपर से देखिए थोड़ा सा पकने लगा है, ऊपर से देखिए काला काला होने लगा है, तो जो हिस्सा काला हो जाए उसको पलट दें और फिर दूसरी तरफ से बैंगन को पलट के भूनने के लिए रख दें। तो इस तरीके से धीरे धीरे अलटते पलटते हुए सारे बैंगन को भून लेंगे, और जैसे जैसे बैंगन भूनता जाएगा उसके अंदर से एक पानी भी हल्का सा निकलने लगता है, उसका बैंगन का रस। और बैंगन को जैसे जब भून जाए तो इसको निकाल लेते हैं। एक बैंगन भून चुका है, अब दूसरा बैंगन भी लगभग भुनने को तैयार है। और जैसे जैसे बैंगन भुनता जाएगा, दबाव करके उंगली से देख लीजिए, ये सॉफ्ट भी होता जाएगा। तो बस देखिए, सारे बैंगन ये भुन चुके हैं, इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और इनको पानी में तो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे कि जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि पानी में डालने से इनका जो अंदर का एक स्वाद होता है वो निकल जाता है। तो जब तक बैंगन ठंडा हो रहा है छीलने के लिए, तब तक इसका यहाँ पर एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तेल अच्छे से, जब ये कड़वा तेल मैंने इसमें डाला था, मस्टर्ड ऑयल, ये जब गर्म हो गया तो इसमें थोड़े से करी पत्ते डाले और प्याज को डाल दिया। प्याज लगभग मैंने यहाँ पर डाला है दो मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने काट लिया, स्क्वायर में काट लें या थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लें, इतना बड़ा ना काटें कि खाने में वो अलग अलग से प्याज दिखे। और जब तक ये मसाला तैयार हो रहा है, तब तक बैंगन को इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और आहिस्ते से इसको छील लीजिए। और ऊपर ऊपर का छिलका जितना ये काला काला दिख रहा है, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। एक बार इस तरीके से अगर आपने बैंगन का भरता एक बार बनाया तो मुझे यकीन है कि आप दोबारा ज़रूर इसको बनाएंगे और आपके घर में सभी लोग इसको पसंद करेंगे। तो जब प्याज थोड़ा सा भुन गया, बहुत ज़्यादा मैंने इसको भूरा नहीं किया है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं किया है, तब उसके बाद मैंने कटे हुए टमाटर डाल दिए। टमाटर भी दो मीडियम साइज़ के हैं और उनको भी मैंने उसी तरीके से छोटे टुकड़ों में काट लिया। और इधर देखिए, बैंगन को मैंने पूरी तरीके से छील लिया। थोड़ा बहुत भी अगर काला छिलका लगा रह जाता है तो कोई इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप जितना इसको अच्छे से साफ़ कर पाएँ उतना कर लीजिए। और चाकू से मैंने इसका डंडी अलग कर दी काट करके। तो
बैंगन का जितना अच्छे से मैश कर लेंगे, जितने बैंगन के इसमें लच्छे कम आएंगे, उतना अच्छा ही बैंगन का भरता बन करके तैयार होगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी अगर हम बैंगन को अच्छे से मैश नहीं करते हैं तो बैंगन के जो लच्छे लच्छे से एक होते हैं, रेशे होते हैं, ये जब मुँह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो जितना अच्छा इसको बैंगन को मैश कर लेंगे, उतना अच्छा ही बैंगन का भरता देखने में भी लगेगा और खाने में भी लगेगा। तो देखिए टमाटर भी अच्छे से मेरा ये पक चुका है, और टमाटर और प्याज ने आप देख सकते हैं एक हल्का सा एक लिक्विड छोड़ दिया है। टमाटर भी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, हल्का सा प्याज को फ्राई किया, तुरंत उसके बाद टमाटर डाल दिया, तो टमाटर और प्याज का एक लिक्विड जो छूट गया वो भरते में स्वाद को बढ़ा देगा। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे ली है फ्रोज़न मटर, तो थोड़ी सी मटर डाल देते हैं। अगर आपके पास फ्रोज़न मटर नहीं है तो अलग से मटर को पका करके तब इसमें डालें, या इसमें मटर को पक जाने दें। तो देखिए अभी से ही कितना कलरफुल, कितना देखने में अच्छा लगने लगा है। तो अभी जब पूरा कंप्लीट होगा तो बहुत ही स्वादिष्ट बन करके ये भरता तैयार होगा। तो बस इसमें अब बाकी के जितने भी सूखे मसाले हैं वो यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि जब तक नमक नहीं डालेंगे तब तक आगे का प्रोसीजर, अगर मटर को पकाना है तो नमक का डालना भी बहुत ज़रूरी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हल्दी और तीखी वाली लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, नमक को अपने अंदाज से डालें भरते में, या किसी भी चीज़ में नमक अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो स्वाद अच्छा नहीं देगा, और क्योंकि बाकी स्वाद को दबा देता है नमक, अगर थोड़ा सा किसी भी चीज़ में ज़्यादा हो जाता है तो बाकी सारे टेस्ट को कम कर देता है। तो नमक को बहुत अंदाजे से डालें। अब देखिए सारी चीज़ों से तेल अच्छे से छूट गया है, यहाँ पर देखिए तेल बिल्कुल अलग हो गया है मसाले से। और हरी मिर्चा अपने स्वाद के अनुसार से डाल दें, कम तीखा खाना चाहते हैं या ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं कि उसी हिसाब से मिर्चों को डालें। और क्योंकि मैंने यहाँ पर तीखी लाल मिर्च भी डाली है तो उससे भी थोड़ा सा इसमें एक कड़वापन आ गया है। और अभी वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि अभी भरता पूरा बना नहीं है, बिल्कुल एंड में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जिससे इसमें स्वाद एकदम दोगुना हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप इसके साथ रोटी खाएंगे तो आप ज़रूरत से ज़्यादा, आप अपनी भूख से ज़्यादा रोटी खा लेंगे, और पराठा खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोटी के साथ ही ये भरता बहुत अच्छा लगेगा। और अगर बेसन की रोटी हो या मिक्स आटे की रोटी हो, सर्दियों में तो मिक्स आटा भी बहुत अच्छा लगता है, तो उस रोटी के साथ भी अभी भरता खाएंगे तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो मैंने यहाँ पे कद्दूकस से थोड़ी सी अदरक घिस करके डाल दी है, अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो अदरक वैसे भी सर्दियों में खाना फ़ायदेमंद होता है, तो अदरक अपने स्वाद के अनुसार आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर, इसके बाद मैंने बैंगन जो मैंने मैश करके रखा था वो इसमें डाल दिया। तो बस अब सारी चीज़ें इसमें पड़ चुकी हैं, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा भूनना बचा है, तो मसाले के साथ थोड़ा सा इसको भून लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें एक थोड़ा सा अच्छा सा एक सौदापन आ जाएगा और एक भुना भुना सा भरता हो जाएगा। और 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया की पत्ती डाल दी, आप चाहें तो पत्ती बाद में भी डाल सकते हैं, मैंने भूनने के साथ ही डाल दी थी। और लास्ट में फाइनली यहाँ पे मैंने इसको करने जा रही हूँ स्मोक। और एक बार मैंने पहले आपको अपना चिकन बनाया था यहाँ पर, मैंने तो चिकन को भी मैंने दिखाया था कि किस तरीके से स्मोक किया जाता है, लेकिन उसके बाद मैं आपको दोबारा भी दिखा रही हूँ। इमली का कोयला बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इमली के कोयले को आप गैस पे थोड़ा सा फ्लेम इतना गर्म कर लें कि बहुत अच्छे से उसमें धुआं देने लगे। एक कटोरी को उसमें बर्तन में रख करके उसमें थोड़ा सा कोयला डाल दें, कोयले के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल दें और अच्छे से कवर कर दें, और इसको तब तक कवर रहने दें जब तक कि जितना भी इससे स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, जब तक वो पूरा इसमें आ ना जाए। स्मोकी फ्लेवर का बना हुआ ये बैंगन का भरता बन करके तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना स्वादिष्ट, कितना यमी, बहुत ही जायकेदार बैंगन का भरता बना है। तो बस फटाफट से देर किस बात की, बैंगन आपके घर में रखा हो तो बस उठिए तुरंत ये बैंगन का भरता बनाइए, और मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया ये भरता तो आपके घर में सबको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।